हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है लवली यू और मैं हूँ अनुप्रिया। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम रिव्यू करेंगे न्यूट्रीजीना डीप क्लीन फेशियल क्लींजर का, जो नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। पहले हम इसकी पैकेजिंग की बात करेंगे। इसमें ये पंप लगा हुआ है जिससे कि आप बहुत ईजली जो इसके अंदर फेस वॉश है वो निकाल सकते हैं। और ये प्लास्टिक बॉडी में है, इसके आगे इसका नाम लिखा हुआ है ब्लैक और ब्लू कलर में, और इसका दिया हुआ है डीप क्लीन फेशियल नॉर्मल टू ऑयली स्किन। और पीछे इसका जो है, इसमें डायरेक्शंस दी हुई है, कॉशंस दिए हुए हैं, इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं और मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस दिया हुआ है। जॉनसन एंड जॉनसन का ये प्रोडक्ट है और इसका प्राइस है 399 रुपीज़। और मैन्युफैक्चरिंग डेट से ये 2 साल तक चलेगा और ये है 200 ml 399 रुपीज़ की। ये जेल फॉर्म में है और ये प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जब आप इसे फर्स्ट टाइम अपने फेस पे लगाते हैं तो आपको फेस वॉश करने के बाद ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है, आपके फेस पे हल्का हल्का पेन है। जब आप इसे 2-3 बार यूज़ करेंगे आपके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हो जाएंगे। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और मेरी स्किन नॉर्मल ऑयली टू नॉर्मल है तो मुझे भी ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी सूट नहीं किया है। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे लगाया तो मेरे फेस पे इस जगह पे बहुत ज़्यादा पेन होता है और मैंने इसे 15 दिन लगाया और उसने हर दिन मुझे एक नया पिंपल दिया था। तो मेरी तरफ से ये बिग नो नो है। प्लीज़ आप इस प्रोडक्ट को मत खरीदिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन वाले हैं तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। एक्चुअली ये जॉनसन एंड जॉनसन का प्रोडक्ट था तो मैं इसीलिए इसे खरीद कर लाई थी। मुझे लगा था ये बहुत अच्छा होगा। मेरी एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि जब ब्रांड का नेम बहुत अच्छा हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, लेकिन इसने मुझे बहुत ज़्यादा निराश किया है। इवन इसने मेरी स्किन को भी बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। इसलिए मेरी तरफ से मैं इसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी आप लोगों को। अगर आप पे इसने बहुत अच्छा काम किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपके स्किन टाइप क्या है, ताकि दूसरे लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसे बिग थम्स अप दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट पे भी फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।